Hey friends, welcome back to educational channel by Ritashu. कैसे हैं आप सब friends? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं परोपकार पर निबंध लेखन हिंदी में. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करें. सबसे पहले निबंध में होती है भूमिका, तो परोपकार के बारे में भूमिका पढ़ते हैं. प्रत्येक व्यक्ति रोजाना के क्रियाकलापों में व्यस्त रहता है. कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक अपनी आजीविका के कार्यों में संलग्न है, कोई मनोरंजक कार्यों में मस्त है, कई खेलते हैं, सैर सपाटे करते हैं, संगीत नृत्य में मस्त रहते हैं. उनमें कई कार्य धन कमाने के लिए हैं, तो कई शारीरिक व मानसिक रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए होते हैं. इन सभी कार्यों को स्वार्थ ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये सभी अपने हित के लिए किए जाते हैं. लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके कार्य अपने हित के लिए ना होकर दूसरों के हित के लिए होते हैं. उनका सारा जीवन दूसरों की भलाई में लगा रहता है, उसको कहते हैं परोपकार. इसका शाब्दिक अर्थ है दूसरों की भलाई करना, अर्थात पर उपकार. परोपकार का स्वरूप. स्वार्थ व परोपकार दो शब्द हैं. स्व जमा अर्थ अर्थात अपने लिए किए गए कर्म स्वार्थ हैं. पर जमा उपकार दूसरों के लिए किए गए कर्म परोपकार हैं. दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्यों में किसी प्रकार की चाह नहीं होनी चाहिए. यश व नाम की चाहना भी स्वार्थ है. परोपकार में तो केवल दूसरों की भलाई निहित है, इसके लिए स्वार्थ का बलिदान करना आवश्यक है. जिस प्रकार प्रकृति के सारे क्रियाकलाप निस्वार्थ दूसरे के लिए चलते हैं, जैसे सूर्य चंद्र वायु जल अग्नि आदि निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं, पेड़ निस्वार्थ भाव से हमें फल खिलाता है, नदी पानी पिलाती है, धरती विविध रूप से अन्न देती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे ही परोपकारी जीव भी होते हैं. जैसे वृक्ष कभू नहीं फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर. परोपकार परम धर्म. संसार के प्रत्येक धर्म में निस्वार्थ सेवा करने का बहुत बड़ा महत्व बताया है. संत तुलसीदास ने कहा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई. अर्थात परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को सताने से बढ़कर कोई पाप नहीं है, यही धर्म का मूल मंत्र है. इन विचारों में कोई सांप्रदायिक भावना निहित नहीं है. हर धर्म कहता है दीन दुखियों की सेवा करो, भटके हुए को राह दिखाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन खिलाओ आदि. ये सब परोपकार के रूप हैं. परोपकार के महत्व. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. वह अपने सारे काम स्वयं नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं उसको परोपकारी लोगों का सहारा लेना पड़ता है. संसार के अपाहिज लोग अंधे लंगड़े बच्चे बूढ़े आदि परोपकारियों के सहारे ही टिके हैं. स्वार्थ मानव को गिरा देता है और परोपकार उसको ऊपर उठाता है. आत्मकल्याण के लिए परोपकार आवश्यक है. सभी परोपकारी नहीं, बड़े बड़े धनी लोग परोपकार के महत्व को देखकर प्याऊ मंदिर धर्मशालाएं बनाते हैं, कई लोग विद्यालय बनाते हैं, धर्मार्थ चिकित्सालय खोलते हैं, लेकिन उनके ये कार्य परोपकार में नहीं है, उसमें उनका स्वार्थ है यश व नाम का. बिना दया व अहिंसा के परोपकार नहीं हो सकता, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान.
उपसंहार। अतः निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य परोपकार है। संसार में बड़ा आदमी वही है जो दूसरों की भलाई करता है। रहीम ने कहा है, जो गरीब पर हित करे सो रहीम बड़ लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय फॉर नाउ। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।